आज की रेसिपी हमारा बड़ा ही खास रेसिपी है। आज की रेसिपी में हम बिना जिलेटिन की अनार की जेली बना के तैयार करेंगे। शक्कर की ना यूज करते हुए बस 3 इंग्रेडिएंट्स में इसको हम बनाएंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये बनी हुई है। अनार या पोमेग्रेनेट बहुत ही हेल्दी फूड है, इसमें बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट्स है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। 1 कटोरी में है अनार का दाना और दूसरा कटोरी में है अनार की जूस। तो ये 2 मीडियम साइज पोमेग्रेनेट से निकला हुआ है। इसको मैंने ब्लेंड करके और छन्नी में छान के जो जूस निकला है ये है इस कटोरी में। तो आज हम इस जूस से जेली बना के तैयार करेंगे, वो भी बिना शक्कर और बिना जिलेटिन के। 1 कटोरी में मैंने 1 टीस्पून ले लिया है कॉर्नस्टार्च। उसमें अभी हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, करीबन आधा कप। कॉर्नस्टार्च ऐड करना कंपलसरी है क्योंकि ये जो जेली हम बनाने वाले हैं इसमें हम जिलेटिन या अगर का यूज नहीं करने वाले हैं। तो जो जूस है पोमेग्रेनेट की उसको ठीक करने के लिए हम कॉर्नस्टार्च यूज करेंगे। एक पैन में हम अनार की जूस को ले लेंगे। अभी उसमें हम कॉर्नस्टार्च की घोल को ऐड करेंगे। इसमें अभी मैं आधा नींबू का रस ऐड करूंगी। इसके बदले आप चाहे तो साइट्रिक एसिड भी चुटकी भर यूज कर सकते हो। फ्लेम को अभी ऑन करेंगे और स्लो मीडियम फ्लेम में हम इसको कुक करेंगे। बनाने के टाइम एक बात की ध्यान रखें, लगातार इसको चलाते हुए कुक करना है, नहीं तो कॉर्नस्टार्च जो है नीचे बैठ के कढ़ाई में जल सकता है और उसका गुठलिया भी बन सकता है। नॉर्मली अनार का जो जूस होता है वो बहुत ही मीठा रहता है। एक एक अनार थोड़ा कम मीठा रहता है। अगर आप जो अनार यूज कर रहे हो कम मीठा है तो उसमें चीनी के बदले आप थोड़ा सा हनी यूज कर सकते हो। अनार की जूस अभी उबलना शुरू हुआ है तो स्लो मीडियम फ्लेम में मैं कुक करते हुए इसको 3 मिनट हो चुका है और थोड़ा सा ठीक होने तक हम इसको कुक करेंगे। अभी इसको कुक करते हुए 5 मिनट हो चुका है। आप देख सकते हो ये गाढ़ा भी हो चुका है। तो अभी हम फ्लेम को बंद करेंगे। ये वाला मोल में हम जेली बना के तैयार करेंगे। आपके पास जो भी मोल अवेलेबल हो उसमें भी आप जेली को जमा सकते हो। अनार की घोल को अभी हम मोल में ऐड करेंगे। मोल को कवर करके हम अनार की घोल को डाल देंगे। अभी हम मोल को फ्रिज में 3 से 4 घंटा के लिए रखेंगे। 4 घंटा बाद जेली की मोल को मैं फ्रिज से निकाल के लाई हूँ। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से जेली सेट हो चुका है। तो हाथों में साइड से थोड़ा सा जेली को निकाल देंगे ताकि वो आसानी से मोल से निकल के आ जाए। एक प्लेट में अभी हम जेली को ले लेंगे। बहुत ही अच्छा कलर आया है और बहुत ही सुंदर शेप में ये बन के तैयार हो गया है। अभी हम जेली को चेक करेंगे। बिना जिलेटिन के भी ये कितनी अच्छे से बनी हुई है। ये जो जेली है ये बहुत हेल्दी भी है क्योंकि ये अनार की जूस से बना हुआ है और इसमें हम ना जिलेटिन ना अगर ना शुगर का यूज किए हुए हैं। बच्चों से लेकर बड़े तक सबको ये जेली पसंद आएगा। तो ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी के बारे में आपके अनुभव कमेंट सेक्शन में शेयर करें।